हाय एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थाई मूवी जिसका नाम है दपूर। मूवी बड़ी ही अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदा जिसका नाम डे होता है, वो खाली पूल में अपनी आंखें खोलता है। डे के पूरे शरीर पर चोट लगी होती है। वो अपनी हथेली की ओर देखता है जो घाव और खून से भरी होती है। अब जैसे ही डे अपने पैरों की ओर देखता है, वो देखता है कि एक क्रोकोडाइल उसका पैर अपने मुँह में दबाकर बैठा है। डे डर के मारे चिल्लाता है और क्रोकोडाइल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बड़ी मुश्किलों के बाद डे खुद को क्रोकोडाइल से छुड़वा लेता है। वो क्रोकोडाइल के सर पर एक बकेट से हमला करता है। तभी हमें एक कुत्ता दिखाया जाता है जो ये सब देखकर भौंक रहा होता है। क्रोकोडाइल दूसरी तरफ चला जाता है और डे को अकेला छोड़ देता है। कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि डे एक गहरे पूल में फंस चुका है, जहां ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी नहीं है। अब सीन होता है 6 दिन पहले का, जब ये पूल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। डे वहां पर एक फोटो शूट करवाने में हेल्प करवा रहा है। एक सोफा पानी में डाला गया है जिस पर एक मॉडल जोकर के गेटअप में फोटोशूट करवाएगी। डे की गर्लफ्रेंड कोई उनके कुत्ते लकी के साथ पूल पर आती है। डे को बोलकर लकी को स्पेशली बुलवाया गया होता है क्योंकि वो फोटोशूट में प्रॉप की तरह यूज होने वाला था। डे को डायबिटीज है, इसलिए वो एक कोने में जाता है और एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। कोई उसके पीछे पीछे आती है और मजाक में कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि डे को पसंद नहीं आता। जो शूट होना था वो अच्छे से हो जाता है। सभी क्रू मेंबर साथ में एक पिक्चर लेते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से डे और लकी पूल पर होते हैं। डे वहाँ पूल को साफ करने आया होता है और साथ ही उसे बंद करने भी, क्योंकि कई दिनों तक वहाँ पर कोई नहीं आने वाला था। साफ सफाई करने से पहले डे अपने फ्लोटी पर लेटकर कुछ देर आराम करता है। डे का फ्रेंड मेयोम, जो पूल का सुपरवाइजर भी है, वो भी वहाँ होता है। उसके पास एक लगेज भी है। वो अगले 3 महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो डे को गुड बाय कहता है और अंदर जाकर एक लीवर नीचे कर देता है जो पूल का ड्रेनेज लीवर था। जाते जाते मेयोम लकी को पास ही एक पोल पर बांध देता है। अब डे मेयोम को पिज्जा ऑर्डर करने को कहता है। मेयोम कहता है कि मैं पिज्जा तो ऑर्डर कर दूंगा, पर तू जल्दी पूल से बाहर आ जाना क्योंकि मैंने ड्रेनेज चालू कर दी है। पर गलती से डे अपने फ्लोटी पर सो जाता है और ये रियलाइज नहीं कर पाता कि पानी का लेवल कम हो रहा है। कुछ समय बाद लकी के भौंकने पर डे की नींद खुलती है और वो जल्दी से पूल से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, पर उसे पता चलता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा चुका है। वो बाहर निकलने के लिए खूब ट्राई करता है पर नहीं निकल पाता। इसी बीच उसका एक नाखून भी टूट जाता है। वो फ्लोटी पर चढ़कर भी ऊपर जाने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है पर कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं होता। डे का फोन पूल के पास ही होता है और अचानक वाइब्रेट होकर पूल की तरफ बढ़ने लगता है। डे फोन के गिरने का इंतजार करता है जिससे वो उसे कैच कर ले, पर उसी समय लकी स्विमिंग पूल में फिसल जाता है और वहीं ऊपर लटक जाता है। डे लकी को बचाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है और फ्लोटी की मदद से उसे ऊपर चढ़ा देता है। इधर उसका फोन पूल में गिरने ही वाला होता है पर चार्जर से अटैच होने की वजह से वहीं लटक जाता है। वो फोन लेने जाता है पर वाटर लेवल घट चुका था, इसलिए उसका फोन उसके हाथ नहीं लग पाता। वो ट्राई करता रहता है पर फोन पूल में गिर जाता है और काम करना बंद कर देता है। अब डे ड्रेनिंग को रोकने का डिसाइड करता है और ड्रेनेज वेंटिलेशन पर अपना रोब लगा देता है। जब डे ये सब कर रहा होता है, वहाँ एक डिलीवरी बॉय उसका पिज्जा लेकर आता है। वो आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। डिलीवरी बॉय मेयम को कॉल करता है और मेयम उसे कहता है कि वो पिज्जा छोड़कर वहाँ से चला जाए। अब हम देखते हैं कि डे की बेल्ट वेंटिलेटर में फंस जाती है और जब तक वो वहाँ से बाहर आ पाता है, डिलीवरी बॉय वहाँ से जा चुका होता है। डे को अभी भी लगता है कि कोई ना कोई तो वहाँ जरूर आएगा जिससे डे हेल्प मांग सके। अब वो बिना टेंशन के बिंदास होकर सो जाता है। अब कोई वहाँ आती है और उसे पता नहीं चलता कि पानी का लेवल कम है और वो पूल में कूदने ही वाली होती है, पर उसी समय डे की नींद खुल जाती है और वो कोई को कूदने से मना कर देता है, पर रिफ्लेक्स में कोई स्लिप हो जाती है और उसका सर बोर्ड में लग जाता है। डे उसको पानी से बाहर निकालता है तो वो बेहोश होती है। डे उसे फ्लोटी पर लेटा कर रोब लेने चला जाता है जिससे सर की ब्लीडिंग रोकी जा सके। अब रात हो चुकी है और पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। अभी तक कोई उनकी हेल्प करने नहीं आया। डे कोई की चोट को देखता है और उसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा आ जाता है। उसी समय लकी बहुत तेज तेज भौंकने लगता है। एक क्रोकोडाइल मेंटेनेंस रूम की तरफ से लकी की ओर बढ़ रहा होता है। डे क्रॉक को देख लेता है और लकी को शांत होने को कहता है। क्रोकोडाइल लकी तक पहुंचने से पहले ही फिसल कर पूल में गिर जाता है। अब डे पूल में एक क्रोकोडाइल के साथ फंस चुका है, साथ ही इंजर्ड कोई भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। सो बैक टू द स्टोरी। डे क्रोकोडाइल से बचते बचते पूरी रात काट लेता है। अब सुबह हो चुकी है, पूल बिल्कुल खाली हो चुका है, कोई अभी भी बेहोश पड़ी है। क्रोकोडाइल पूल की दूसरी तरफ अपना मुंह खोलकर सो रहा है।
डे अचानक से कोई की पॉकेट में एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखता है और उसे पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है। वो सरप्राइज हो जाता है और कोई से कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डे कोई की चोट को चेक करता है तो देखता है कि वो अभी भी ब्लीड कर रही है। फिर डे सोते हुए क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है जिसके मुँह में डक टेप पड़ी होती है जो मेयम ने जाने से पहले डे पर फेंकी थी। डे टेप तो ले लेता है पर इस दौरान क्रोकोडाइल भी उठ जाता है। क्रोकोडाइल डे पर दहाड़ता है पर डे फटाफट से कोई के पास चला जाता है। वो डक टेप और अपने रोप के टुकड़े को कोई के सर पर बांध देता है। उसने एक बाल्टी भरकर पानी भी बचा लिया था। डे फिर वेंटिलेटर का गेट खोल देता है और टनल की मदद से बाहर जाने के बारे में सोचता है। वो कोई की तरफ जाता है पर उसके आने से पहले ही क्रोकोडाइल टनल में चला जाता है। डे काफी देर तक उसके लौटने का इंतजार करता है पर जब वो नहीं लौटता तो डे रिस्क लेकर खुद टनल में उतर जाता है और आगे बढ़कर एक एग्जिट तो ढूंढ लेता है पर वो लॉक होती है। उसी समय क्रोकोडाइल पूल में वापस आ जाता है और कोई की तरफ बढ़ने लगता है। क्रोकोडाइल कोई तक पहुंच जाता है पर डे क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़कर उसे पीछे फेंक देता है। क्रोकोडाइल डे पर अटैक नहीं करता और आखिरकार अब कोई को होश आ जाता है। कोई डे को प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और इस समय रात हो चुकी है। कोई वहाँ मौजूद सोफे पर आराम कर रही है। अब डे नोटिस करता है कि लक्की ऊपर पिज्जा खा रहा है। लक्की पिज्जा का बॉक्स पूल में फेंक देता है और डे और कोई 3 दिनों में पहली बार कुछ खाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 4th दिन पर जहाँ उनके पास पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है। डे बेहोश हो जाता है और लगभग पूरे दिन बेहोश ही रहता है। जब वो रात को उठता है तो कोई उसके पास होती है। वो कोई से पूछता है कि क्रोकोडाइल ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। कोई बताती है कि क्रोकोडाइल एक फीमेल है और उसने पूरे दिन अंडे दिए हैं। अब वहाँ बारिश चालू हो जाती है और डे कुछ पानी जमा कर लेता है। अगले दिन हम डे को सोता हुआ देखते हैं और क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर डे तक पहुंचने से पहले ही वेंट में गिर जाता है। डे उसको धक्का मार देता है और वेंट को कवर कर उस पर सोफा रख देता है। अब कोई और डे वहां पड़ी लकड़ी, घास और सनग्लास से आग जलाने की कोशिश करते हैं। आग जलाकर वो पानी में क्रॉक के एग्स को उबाल लेते हैं और रात के समय उन्हें खा लेते हैं। उसके बाद वो सोफे पर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। वो थककर वहीं बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों के बीच डे कोई से कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे अबॉर्शन करा लेना चाहिए। कोई इमोशनल हो जाती है और गुस्से में डे को स्लैप कर देती है। उन्हें पता है कि वो तपती धूप में एक और दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगले दिन वो वेंट खोल देते हैं और क्रोकोडाइल वापस पूल में आ जाता है। क्रोकोडाइल अपने एक्स की तरफ जाता है। इतने में कोई वेंट में चली जाती है। क्रोकोडाइल अपने अंडों की हालत देखकर डे पर अटैक कर देता है पर डे फटाफट से वेंट में घुसकर गेट लगा देता है। डे ने कई दिनों से इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लिया था इसलिए वो बीमार पड़ रहा था। अब दोनों एक इंसुलिन इंजेक्शन को देखते हैं जो मेयम ने वहीं पास के टेबल पर रखा था। डे एक मेटल वायर से इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है पर इंजेक्शन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कोई और डे टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। डे को टनल में ही उसका केस मिलता है जिसमें इंसुलिन इंजेक्शन होता है। एक्चुअली मेयम ने गलती से ये केस वहां गिरा दिया था। डे खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। अब दोनों एक पैराशूट को नोटिस करते हैं जो वहीं उड़ रहा होता है। डे हेल्प मांगने बाहर जाता है और कोई को रास्ता ब्लॉक करने को कहकर वहां से चला जाता है। जब वो पूल पहुंचकर टनल से बाहर झांकता है वो देखता है कि वो पैराशूट बस एक खिलौना है और फ्रस्ट्रेशन में डे चिल्लाने लगता है। वो हेल्प के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है पर वहां कोई नहीं होता। अब तेज हवा चलने की वजह से एक मेटल वायर पूल के अंदर लटक जाता है। डे वायर की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी हथेलियां खूनम खून हो जाती हैं पर वो लगातार चढ़ता रहता है। बस वो ऊपर पहुंचने ही वाला होता है तभी वायर खुल जाता है और डे जमीन पर गिर जाता है। गिरते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अब वो सीधा 6th दिन आंखें खोलता है और अपनी इंजर्ड हथेली की तरफ देखता है। अब वही सीन आ जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। क्रोकोडाइल डे को घसीट रहा होता है। डे किसी तरह खुद को छुड़ाकर सोफे की तरफ बढ़ता है। उसके पैर पर खूब घाव होते हैं इसलिए वो कोई के पास जाने से पहले कुछ देर रेस्ट करता है। उसी रात वहां बारिश चालू हो जाती है। अब क्योंकि कोई ने टनल को ब्लॉक कर दिया था वो जगह पानी से भरने लगी थी। वो बैरल से आवाज करती है। डे आवाज सुन लेता है और टनल में चला जाता है। इस बार वो टनल में दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है। वहां जाकर डे को एक और वेंट दिखती है। वो बड़ी कोशिशों के बाद उसे तोड़ देता है और खुश हो जाता है पर उसकी खुशी पर पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि वो दूसरे पूल में है जो कि पहले वाले ही जितना गहरा है और उसमें भी स्टेयर्स नहीं है। अब सीन होता है 7th दिन का। दो लोग वहां अपने पैराशूट जैसे टॉय को लेने आते हैं जो पूल में गिरा हुआ था पर वो कोई और डे को नहीं देख पाते।
वो एक सीढ़ी की मदद से पूल में उतर के अपना टॉय ले लेते हैं। क्रोकोडाइल सोफे के नीचे होता है, इसलिए क्रोकोडाइल भी इन्हें नहीं दिखता। देखो, इन लोगों की आवाज आ जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर जब तक वो पहुंच पाता है दोनों बंदे वहां से जा चुके थे। पर लैडर अभी भी वहीं थी। डे धीरे धीरे लैडर की तरफ बढ़ता है, पर सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही क्रोकोडाइल डे पर अटैक कर देता है। बारिश की वजह से कोई वाली टनल पूरी भर जाती है। इधर क्रोकोडाइल डे को मारने ही वाला होता है, पर उधर कोई की आवाज सुनकर डे की विल पावर बढ़ जाती है और वो क्रोकोडाइल को साइड हटाकर सीढ़ी के पास जाने लगता है। और उसी समय सीढ़ी ऊपर चली जाती है क्योंकि जिन रोलर से वो अटैच थी वो पीछे फिसल जाते हैं। ये देखकर डे बिल्कुल टूट जाता है, उसकी जीने की इच्छा उसका साथ छोड़ देती है। उसी समय डे को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कोई बजा रही होती है। सीटी सुनकर लकी एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसी सीटी से उसे ट्रेनिंग दी गई थी। डे लकी को बहुत इशारे करता है, पर लकी जो अभी भी चेन से बंधा था वो वहीं लटक जाता है। लकी धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाता है। अब डे को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो क्रोकोडाइल को एक मेटल रॉड से मार देता है। अब डे को कोई की जान बचानी थी, वो हिम्मत जुटाता है और वो करता है जो किसी के लिए भी सोचना बहुत मुश्किल है। वो मरे हुए लकी की मदद से ऊपर चढ़ता है और आखिरकार डे पूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से वेंट की तरफ भागता है जो पानी से भर चुका था। वो पास ही पड़े मेटल पाइप से उसे खोलता है। इस दौरान वो दोबारा पूल में गिरने ही वाला होता है, पर किस्मत से वो एज पर ही लटक जाता है। बड़ी जद्दोजहद करके वो वापस ऊपर चढ़ता है और कोई को वेंट से निकाल लेता है। पहली बार तो ऐसा लगता है कि कोई मर चुकी है, पर बड़ी कोशिशों के बाद CPR एक्सेट्रा मेथड यूज करने के बाद वो होश में आ जाती है और यही हो जाता है इस मूवी का दी एंड। गाइस, अगर डे की जगह आप पूल में फंस जाते तो आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।